देख सकते हैं हमारे गांव में वॉलीबॉल हो रहा है जो यहाँ पे रोज होता है शाम में, और मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एड्स अमारदा ब्लॉगर। तो गाइज़ मेरे चैनल में आपका स्वागत है, और मैं आप मुझे एक हफ्ते से नहीं देख रहे थे यूट्यूब पर, और मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी मेरे चैनल पे, सॉरी। इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उधर बनारस में था तो बहुत तबीयत मतलब मौसम बदलने की वजह से मेरे फीवर हो गया था, खांसी भी आ रही थी और नज़ला भी अभी भी खांसी आ रही है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अब फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। तो अब मेरी वीडियोज़ आएगी, और कुछ चीज़ों के भाई ने भी मना कर दिया कि अभी वीडियो मत डालो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डालता था। और गाइस बस अब वीडियोस मेरी आती रहेंगी, मैं आप गांव में दिखाता रहूँगा कि गांव में आजकल क्या हो रहा है। वैसे जब मैं यहाँ पे 25 डेज़ के बाद मैं आया हूँ तो यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पे जैसे धान बैठ गया है, जरई बैठ गई है, मैं उस वो सब की वीडियोस नहीं आपको दिखाई। शाम का माहौल मैं आपको बैक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है शाम का, और गांव में ऐसे नज़ारे अच्छे लगते हैं। शहरों में कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी हम लोग देखा तो उचार में, जैसे देख रहे हैं हम लोग गांव मतलब शहर से हम लोग 7 किलोमीटर दूर जाकर टेबल मिली थी, वहाँ पे नहाते थे हम लोग, मदद करते थे, इंजॉय कर रहे हैं। और शाम के भी 6:45 हो रहे हैं, और गाइस बहुत लोगों ने मतलब हमसे बताया कि भाई तुम्हारी वॉइस क्लीन नहीं आती है। और मैंने अभी फ़ोन चेंज किया है, मतलब घर का फ़ोन यूज़ कर दो, जो पहले जिससे व्लॉग बनाता था और जिससे मैं मतलब ऊंचाहार में था, वो वाला J7 Prime है, वो नीचे वो रखा है, वो भी चार्ज में, उससे वॉइस क्लीन नहीं आती है। उसके लिए माइक मुझे चाहिए या ब्लूटूथ चाहिए, इसलिए वॉइस क्लीन आएगी। तो गाइस ऐसे बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और हाथ ही और मेरा दर्द कर रहा है गाइस। तो चलिए अब आगे वीडियो मिलते हैं, और बस ऐसे सब देख सकते हैं हमारे गांव में वॉलीबॉल हो रहा है जो यहाँ पे रोज़ होता है शाम में, और मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके। अब हमारे हसन भाई हैं जो उधर खड़े हुए हैं, ले अपने में जंप गलत है।
तो गाइस आप देख रहे थे वॉलीबॉल हो रहा था, उधर खेलते खेलते भी उससे पानी में चली गई थी वॉलीबॉल, और बॉल तो वहाँ पे अभी निकाले हैं, फिर पोछे हैं, फिर खेल रहे हैं। अब फिर से गेम चालू हो चुका है और देख सकते हैं कि गांव में ऐसे ही वॉलीबॉल होता है। और आगे वीडियो एंजॉय करते रहिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए और व्यूज़ ज़्यादा दीजिए। आप लोग मेरी वीडियो को कम पसंद कर रहे हैं, शुरू में आपने मेरी वीडियो बहुत पसंद की, ऐसी मेरी हर वीडियो पसंद करिए गाइस। चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। फ्रेंड्स वहाँ पे गेम हो रहा था, हम अपनी वीडियोस के लिए खाली गए थे, ब्लॉग शूट करना था हमको, इसलिए हम वहाँ पे गए थे। और गाइस मैं देख सकते हैं गर्मी बहुत है, तभी मैं अपना बटन खोला हूँ, मैं कैमरे को यहाँ देखता हूँ, फिर पहले अपना सीट पहले। गर्मी बहुत हो रही है गाइस, क्या करें, गांव में तो यही है, गांव से ज़्यादा तो शहरों में, शहरों वाले एसी में रहते हैं इसलिए उनको गर्मी नहीं लगती है, मगर देखा जाए तो गर्मी ज़्यादातर गांव में है और शहरों में है। तो चलिए आके मिलते हैं टेरेस पे, छत बड़े ऊपर वाले छत पे चलते हैं। और अभी यहाँ तो हवा नहीं आ रही है, ऊपर चलते कुछ आराम मिले हवा चले तो। चलिए तो गाइस हम लोग अपने टेरेस पे आ चुके हैं, चलिए आगे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ थोड़ी हवा आ रही है, हल्की फुल्की, मतलब हवा चल रही एकदम, और बारिश अभी दो दिन से लगातार हो रही थी, कल परसों मैंने व्लॉग नहीं शूट किया तो आज बारिश रुकी है। देख सकते हैं आप अभी बादल है और अभी हल्की सी जैसी पड़ी थी जब हम वहाँ पे वॉलीबॉल हो रहा था शूट कर रहे थे, हल्की पड़ी थी। तो इधर सब गांव हैं, वो हमारे मोनू भाई का घर है और खेत वेत बैठ गया एकदम धान वान। मैं भी इसकी व्लॉगिंग करता मगर क्या बताऊँ, तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं शूट कर पाया। तो चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं और ऐसे ही मेरी वीडियो एंजॉय करते रहिए, बस मेरी वीडियो पसंद करते रहिए। तो गाइस मेरा बाल प्लीज़ मत देखिएगा क्योंकि बहुत बेकार लग रहा है, हमको भी बहुत बेकार लग रहा है। बस अपने गुफरान भाई के यहाँ जल्दी ही जाएंगे, दो तीन दिन के अंदर अपना हेयर कट करवाएंगे, और इससे भी पहले ही, मतलब क्या मैं उनके के हमेशा ही इसे हेयर कट करवाता हूँ अपने गुफरान भाई के, क्योंकि ये बहुत अच्छा बाल काटते हैं और जैसा आप कहेंगे वैसे ही गुफरान भाई हेयर कट करते हैं। थैंक यू भाई, ऐसे ही आप करते रहिए हेयर कट अच्छा, और गुफरान भाई मेरी वीडियोस भी देखते हैं, थैंक यू, क्योंकि एक मेरे ये भी सब्सक्राइबर हैं। तो गुफरान भाई बस आ रहे हैं जल्दी आपकी दुकान पर, अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, वैसे तो देखते ही हैं गुफरान भाई। और मेरे सजर भाई हैं जो अभी इधर से हाई कर रहे थे, मैं उनको भी अपने व्लॉग में लूँगा जल्दी। बस ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए और वीडियो को शेयर करिए बस, और सब्सक्राइब करिए। और देखिए अब बाहर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अब बादल आपको मैं दिखा दूँ कितना तेज़ आ रही है, अब हवा चल रही है। बस और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गांव का जो इमामबाड़ा है वो 85% कंप्लीट हो चुका है, लाइटिंग अब लगना शुरू हो चुकी है इमामबाड़े में, मैं उसका भी एक और व्लॉग बनाऊंगा। तो चलिए और बस ऐसी हवा चल रही, मैं आपको दिखा रहा हूँ बादल कितना आ रहा है बारिश होने का। ये देखिए गाइस देख सकते हैं हवा चलने लगी है, ओ माय गॉड पानी आ रहा है, मेरे पानी का बॉटल गिर गया उधर, इतनी तेज़ हवा चली। चलिए आगे मिलते, देखिए कितनी तेज़ पानी बरस रहा है। और ये हमारे साहिल भाई हैं जो दौड़ते हुए आ रहे हैं, और पानी देख रहे हैं कितनी तेज हो रही है गाइस, माल बन गया पानी बरसने का, कहाँ हवा ही नहीं चल रही थी और कहाँ पानी इतनी तेज बरस रहा है, देख सकते हैं, बस ऐसे ही देखते रहिए।
चलिए आगे वीडियो मिलते हैं, बस ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे। तो गाइस देखा आपने जैसे कि बारिश नहीं हो रही थी, कितनी गर्मी हो रही थी, अचानक ही बादल आया, हवा चली और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आप आवाज़ बारिश की सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस हम नीचे आ चुके हैं मैं। चलिए गाइस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी वीडियो लगी, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दो ऑल पे प्लीज़ करिएगा। ये इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, प्लीज़ हमको जाकर फॉलो करिए क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो में एंड करते हैं।